उसकी नदी में वो झरिया खोद करके नहाते थे ताकि वहाँ का जो पानी कोई चीज़ ग्रहण ना करे। तो ये प्रभु जो हैं हिरनी के गर्भ से पैदा हुए हैं, इसलिए इसका सिंह है। जंगल में ही पैदा हुए, जंगल में ही जब तब योग साधना सब किए, फिर आकर के मैदरगिरि पर्वत में अपना योग साधना जब तब करते, कलयुग जैसे समावेश हुआ वैसे ये पत्थर स्वरूप निराकार में वो समाधि ले लिए। ये उसका आकार है। यहाँ से फिर अयोध्या जा कर के राजा दशरथ के यहाँ महापुत्र यज्ञ किया था, जिससे उसको ये ब्रह्म ऋषि है जो इसके यज्ञ के प्रताप से राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए चार भाई, है ना। इसके कमंडल से महानदी उद्गम हुई है। ये महानदी जो कुंड है पीछे शिव मंदिर के पास में है, जिससे सिहावा पहाड़ से या महेंद्री पर्वत से महानदी निकल कर के सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरी हुई है। सप्त ऋषियों का तपो स्थल है। सात ऋषि जो हैं हमारे ही सिहावा क्षेत्र में विराजमान है। यह जो हमारे क्षेत्र है दंडकारण्य कहलाता है, इसमें रामचंद्र भगवान भी आए थे वनवास काल में, उम्मज ऋषि आश्रम में पार्वती
भोलेनाथ आकर के वहाँ राम कथा सुने थे। यह ऐसे पवित्र स्थल है। यह जो स्थान जो है आज भी प्रमाणित है, जो भी कोई निसंतान आते हैं वो यहाँ संतान प्राप्त करके जाते हैं। सप्त ऋषि को तपो स्थल है। सात ऋषि जब एक जगह होते थे, एक दिन ऐसे विचार किए इन लोग कि तीर्थ स्नान करने जाने का, तो जिस दिन जाने को था उस दिन श्रृंगी ऋषि महाराज यहाँ बैठ गए, क्योंकि उनको पूर्व दिशा में जाना है। तो जहाँ बैठ जाते थे वहीं ध्यान लग जाता था, क्यों वो तपस्वी हैं। तो छह ऋषि आए, देखे उनको, अरे ध्यानस्थ है, ध्यान को जगाना ठीक नहीं समझे, और आगे बढ़ गए। छह ऋषि वो बैठे ही थे, वो तीर्थाटन छह ऋषि तीर्थ स्थान वगैरह स्नान वगैरह किए और कमंडल में जल लेकर के आए। फिर भी देखे तो बैठे ही थे, उनके कमंडल में थोड़ा थोड़ा छह ऋषि जो है आकर के जल को डाले, अपने अपने स्थान चले गए। वह कमंडल का जल जो है अभिमंत्रित हो चुका था, कुछ कारणवश वह कमंडल यहीं पर गिर गया, तो उनको बहने का जगह नहीं मिला, तो पत्थर को ही छेद करके महानदी का रूप लिया है। यहाँ कमंडल उड़कने के बाद सीधा पूर्व दिशा में भड़भड़ा के भागने लगा। तो उनका महानंद नाम का एक चेला था, उनको वापसी करने के लिए यहाँ से 16 किलोमीटर दूर फरसिया ग्राम है, वहीं से फिर वापसी किया है उसको महानंद ने, इसलिए उसका नाम महानदी पड़ा। यहाँ से फरसिया नगरी से आप 8 किलोमीटर आगे जाएंगे, फरसिया ग्राम मिलेगा, है ना, महामाया के नाम से जाना जाता है। तो वहीं से वापसी है महानदी का, और यहाँ पे बालका नदी का संगम होता है, जहाँ पे कर्णेश्वर मेला लगती है 7 दिन का। मेरा नाम है ईश्वर दास वैष्णव, मैं 84वीं 10वीं क्लास पढ़ रहा था, तो मेरे पिताजी ख़त्म होने के बाद मैं 85-86 से यहाँ कार्यरत। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है 7 दिन का, और यहाँ विष्णु महायज्ञ होता है जनवरी में 14, 15, 16 3 दिन का, भंडारा वगैरह सब रहता है, खूब भीड़ लगता है। यहाँ माघ पूर्णिमा का मेला लगता है, नवरात्र में मेला लगता है, और जनवरी में यज्ञ में मेला लगता है, और अभी श्रावण मास में अभी कांवरियों वाला का मेला था।